Hey guys, welcome back to Minecraft episode 2. अभी मैं कुछ कर रहा था, ऐसे टावर बना रहा था, क्या कि मुझे पता चले कि मैं खो ना, और मैं इतनी धीरे और साइडली क्यों बात कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो देख रहे हैं, मैंने गलती से अपनी कार्लोस को मार दिया। मैंने उसके लिए वो ग्रेव बनाई है। आज का एपिसोड माइनिंग पे होने वाला था, लेकिन मैंने उसे मार दिया, इसलिए आज का एपिसोड होगा रेस्ट इन पीस कार्लोस। ओके, ये डंडा अबव द क्लाउड्स है। अब मुझे उस एक ब्लॉक ऑफ वाटर में कूदना है, वो एक ही ब्लॉक है, ऐसे देखा ट्रिक्स, इतनी ऊपर से कूद के भी जिंदा हूँ। ये हमारा लाइटनिंग सिंबल जो कि कंप्लीट नहीं हुआ। अकेले सोना पड़ेगा मुझे आज। जब मैं सोता था कार्लोस मेरे साथ तो थी कम से कम। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं कार्लोस के लिए कुछ करूं, ऐसा करूं कि उसे वो अच्छा लगे। ये मेरा स्टोरेज रूम है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, और मैं जब ऑफ कैमरा खेल रहा था मुझे बहुत सारे बायोम्स मिले। एक ही बायोम मिला, जंगल बायोम मिला, मुझे फ्लावर बायोम मिला, बस ये दो बायोम मिले। आज का एपिसोड माइनिंग पे होने वाला था, हाँ तो मुझे वुड चाहिए था ताकि मैं बना लूँ कुछ। एक क्राफ्टिंग टेबल लेके चलते हैं इनकेस मुझे वहाँ पे क्राफ्ट करना हो कुछ। आयरन पे कैग्स भी चाहिए थी मुझे, लेकिन मेरे पास इनफ आयरन नहीं है। स्टोन पे कैग्स बना लेता हूँ, फिर आयरन ढूंढ के आता हूँ। मेरे पास इनफ स्टोन भी नहीं है, कोई बात नहीं। मेरे पास एक स्टोन पे कैग्स पड़ी हुई है, वुडन भी पड़ी हुई है, शवल तो लेके ही आना है मुझे। ये ढूंढते हैं आयरन, चल आयरन को ढूंढने चलते हैं। आई मीन टॉर्चेस चाहिए मुझे, ये 20 और बनानी पड़ेंगी। एक स्टैक तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो में लाइक कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कार्लोस को अच्छा लगेगा, वो जहाँ कहीं भी पिए। वो जहाँ कहीं भी है उसे अच्छा लगेगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी देख सके। नेक्स्ट वीडियो मैं कुछ बढ़िया करूँगा। मैं मेरी कैंप फायर ना बुझ जाए इस पानी से। हाँ।
यहाँ पे थोड़ी स्नो है, मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। पहाड़ों के ऊपर थोड़ी स्नो है, वैसे पहाड़ों के ऊपर स्नो ही होती है। मैंने फ्लावर्स का क्या कर लिया, मैं उन्हें अपनी कार्लोस की ग्रेव के पास डालूंगा। पिछले एपिसोड में तो मिली थी कार्लोस, अगले एपिसोड में ही मार दिया मैंने उसे। ये केव मैंने नीचे से देख ली थी, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ थोड़ी और टॉर्चेस। वो डंडा मुझे दिख रहा है, मैं डंडे को छोड़ के एक बार लावा की लाइन में आऊंगा। लावा नहीं, पानी। लावा की बन गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पानी भी तो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन पानी की बनाऊंगा मैं। अब रवीना माइक, रवीन्स में बहुत अच्छी चीजें होती हैं हमेशा। ओ, ओ, ओ मैंने खाना नहीं खाया, मैं स्प्रिंट करने की कोशिश कर रहा था बिना खा के। डोंकीज हैं यहाँ पे बहुत, चिकन है वहाँ। कार्लोस की याद दिला दी इसने मुझे। चलो अभी हमें इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस करना है, इसलिए ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आयरन और कलेक्ट कर लूँ मैं। यहाँ पर नीचे और था आयरन और, गोल्ड। आयरन पे क्या एक्सटी है उसके लिए मुझे, जो कि अभी तक मिली नहीं मुझे। और भी आयरन हो रहे हैं, और कहीं है आयरन और, आयरन और मेरे से नहीं छुप सकता। आयरन और बोरा, टॉर्चेज है मेरे हाथ में, मेरे से तो कभी नहीं छुप सकता है आयरन और। स्केलेटन्स है जो कि मुझे दिख नहीं रहे। वो वहाँ कहाँ खड़ा है, क्रीपर और स्केलेटन वहाँ ऊपर कहाँ खड़े हैं। हाँ भाई, वहाँ से लगाइए निशाना, नहीं लगा सकता ना, इम्पॉसिबल स्केलेटन। मैं रिफ्लेक्ट भी कर सकता हूँ ऊपर से, उसकी वो पहुँच नहीं सकती होगी। हाँ मैं ट्राइडेंट तो फेंकने नहीं वाला अपना,
वहाँ ऊपर। बस अभी के लिए इतना हो गया, मैं बेड नहीं लाया क्योंकि, और अगर मेरा दूसरा रिस्पॉन पॉइंट सेट भी हो गया तब भी मुझे पता है मेरा घर कहाँ है उस डंडे की वजह से। नहीं, मेरी लेवल्स, मेरी एक्सपी देख रहे हो कितनी है, मुझे नीचे गिरा देती है। हमेशा रवीन के पास एक माइनशाफ्ट होती है, तो वहाँ एक माइनशाफ्ट होगी, मैं पक्का कह सकता हूँ वहाँ एक माइनशाफ्ट है। मैं यहाँ से थोड़ा कोबलस्टोन कनेक्ट करता हूँ, फिर ऊपर जाते हैं, पानी से बहुत ज़्यादा रिस्क है। तब भी मैं ऊपर बिल्ड करता हूँ, अब यहाँ से मैं जल्दी ऊपर जा सकता हूँ। अभी गिर जाता मैं नीचे, अब ऊपर जाने में अब मुझे यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ ऊपर खोद के और मेरा घर ढूंढना है। मैंने एक डंडा बनाया था वैसे तो, शवल का है मेरा, इसलिए मैं शवल लाया था। एक्चुअली ना मैं कोबलस्टोन बचा लेता हूँ, मैं वुड में डर्ट से बनाता हूँ ऊपर। हाँ क्या चल रहा है, हाँ क्या चल रहा है, नहीं टच भी नहीं कर सकते ये। ओ पोटैटो ले लिया, ऊपर क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया लगता है ये, लेकिन इंडिया में तो पॉक चल रहा है। मैं पूरी रात ऐसे ही सरवाइव कर सकता हूँ अगर मैं कहूँ तो। आ जा आ जा, एक सेकेंड इसे ट्राइडेंट से मारता हूँ मैं अभी ना, ट्राइडेंट का डैमेज 8 है क्योंकि, और ट्राइडेंट से ऐसे ऐसे भी मार सकते हैं। माइनक्राफ्ट में 1.69 डायमंड शॉट से भी एक बहुत ज़्यादा बढ़िया शॉट आई है, और उस शॉट का और बनता है एंशिएंट डेब्रिस से जो मिलता है नदर में, और नदर में मैं जाऊँगा ना ना। हाँ हाँ बॉटल फेंक अपनी, नीचे आ नीचे आ, बॉटल फेंक एक बार, सामने सामने, फेंक ही दी सही में इसने बॉटल अपनी। पोशन ऑफ फार्मिंग क्या 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 है, क्या क्या है इसके पास,
बचना पड़ेगा, पोशन ऑफ हीलिंग ले लेता हूँ मैं। ये हाफ एंड हार्ट के बाद ज़्यादा डैमेज नहीं करती। तो पोशन ऑफ हीलिंग लेना, पता नहीं विच का क्या है, कितने 3 सेकंड तक और है। मैं वैसे यहाँ मज़े क्यों ले रहा हूँ, मुझे अपना घर ढूंढना है। रवीन मुझे कहाँ से देखी थी, वहाँ से देखी थी, वहाँ पे है मेरा घर, वो रहा डंडा जो मैंने बनाया था शायद, वो इतनी रात को तो दिखेगा नहीं। मजाक चले चल रहा है, इतनी रात को दिख जाएगा मुझे। और शायद मैं गलत साइड जा रहा हूँ, उस साइड है, हाफ एंड हार्ट है मेरा। से एक भी हिट पड़ा ना मेरे को, मैं गया, मेरी सारी एक्सपी गई। वो तो मैं वापस ले लूंगा, कोई बात नहीं, सारा सामान गया लेकिन मैं वापस ले लूंगा, मुझे पता है क्योंकि रास्ता मैं कहाँ हूँ। कहते हैं कि सब सामान डिस्पॉन हो जाता है, लेकिन इतने टाइम तक रहता है वहीं पे, मुझे नहीं लगता कि वो डिस्पॉन हो जाता है ना, मुझे नहीं लगता बिल्कुल सामान डिस्पॉन होगा। मैं रात में इनसे भिड़ रहा था, तो होना ही था। यहाँ है मेरा सामान, बोरा, इतना सारा पड़ा हुआ है मेरा सामान वहां। मेरा सामान मेरी एक्सपी वापस मिल गई, लेकिन 6 है बाकी, एक्सपी तो गई ना मेरी, जिस ज़ॉम्बी ने मुझे मारा था उसने ले ली, उसे एक्सपी की क्या जरूरत है, उसे पता भी नहीं है क्या होती है एक्सपी। बस मेरा ट्राइडेंट डैमेज हो गया, कितना, बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो गई मेरी। उस केव में मैं गया नहीं, उस केव में जाते हैं क्योंकि एपिसोड माइनिंग पे बेस्ड था, और अगर इसमें माइनिंग करेंगे नहीं तो एपिसोड कैसे हुआ, टाइम पास हुआ है तो। ओके मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, इसे फुली रिपेयर पिकैक्स बनाना है, फुली रिपेयर तो नहीं हुई, फुली रिपेयर सोल्ड बनानी है ऐसे। और चलो, हेलो, कोई है या नहीं है, मुझे बस बहुत सारा आयरन और चाहिए यहाँ का। वो स्पाइडर, क्या आपका स्पॉनर लगा हुआ है यहाँ क्या? मैं कहाँ निकला, मैं किसी और ही साइड निकल गया। Yeah.
यहाँ पे कुछ है आयरन और आयरन और स्केलेटन आपका स्पॉनर लगा है यहाँ पे। मुझे बस लूट चाहिए बहुत सारा, माइनिंग करनी है बहुत। हाँ नीचे नीचे हेलो, क्या यहाँ नीचे कोई है? बहुत बड़ी केव है, लेवल 62 पे आ गया मैं। वाओ, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, हर जगह टॉर्च लगी हुई है बस। ये ऊपर ले जाना मुझे, ऊपर मत लेके जाओ, नीचे जाना मुझे। वापस लेके जा रहे हैं, वहां से कुछ और डीप रास्ता हुआ तो इसलिए ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, इस केव में कुछ नहीं है, कोल की जगह। जब मुझे वो कोल चाहिए होगा मैं लेने आ जाऊंगा। आयरन और तो मिल गया बहुत, और नीचे माइनिंग करते हैं। और मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, डिगिंग स्ट्रेट डाउन। मिली आयरन और किसी को डिग करके मिला आयरन और डिग स्ट्रेट डाउन। किसी को नहीं मिला होगा लेकिन मुझे मिला, मेरा फर्स्ट आयरन और मुझे यहीं पे मिला था डिग स्ट्रेट डाउन करके। जब मुझे आयरन और के बारे में पता चला था, स्टोन के टूल्स बनाता था पहले माइनक्राफ्ट में, मुझे लगता था आयरन और से कुछ होता नहीं है। का टाइम था वो, जब ये 2 ईयर चैनल भी नहीं बना था और मुझे लावा मिल गई। एक एडवांसमेंट बना रहा हूँ मैं लावा लेके, हॉट स्टफ। आई नीड दैट एडवांसमेंट लावा, आई नीड द एडवांसमेंट हॉट स्टफ। कोई ग्रेवल गिर ना जाए यहाँ से। और आयरन और मैं छोड़ नहीं सकता, एक भी आयरन और। नीचे देखा ग्लिच हुआ था इसलिए मैं नीचे कुछ दिखा, ये ग्लिच कभी कभार हेल्प कर देते हैं बहुत। माइनशाफ्ट थी शायद वो, लावा थी, लावा ही तो मैं गया, माइनशाफ्ट हुई तो पता नहीं मुझे कितनी ट्रेजर मिल सकती है वहां से। ऑल थैंक्स टू ग्लिच। नीचे और भी है, और भी चीजें हैं।
मुझे शायद पानी छोड़ना नहीं चाहिए था। ओह यहाँ डायमंड हो सकते हैं। ये वुड जल जाएगी। ओ पता भी नहीं चला मुझे क्रीपर कब आके टूट गया। चलो क्रीपर ने मुझे ये दे दिए। ओ मैंने डिक स्टेट डाउन किया था उससे भी मुझे मिला था ये कोबलस्टोन। लवा बंद क्या वच की आवाज आई मुझे। ये विच के सामने शील्ड कुछ भी नहीं है इसलिए वो मुझे शील्ड रखनी नहीं चाहिए। लेकिन और भी तो चीजें आ सकती हैं। रेडस्टोन यहाँ सही में डायमंड्स हो सकते हैं। मैं यहीं पे एक फर्नेस बना के आयरन पिकैक्स बना रहा हूँ। देखा मैं कोबलस्टोन लाया था नहीं क्राफ्टिंग टेबल ग्लोस्टोन। अच्छा विच को मार के मिला होगा ना। नदर में जिसकी ज़रूरत थी वो मुझे यहीं पे मिल गया। वाह मुझे क्या करना था। हाँ ओ हाँ टॉर्च बनानी थी ना। आयरन और स्मेल्ट कर लेता हूँ मैं। और क्या करना था। ओ हाँ पिकैक्स भी बनानी थी ना उससे। और मैं वुड भी ले आया इसलिए वाव सब है मेरे पास। ये वुड वो मैं पूरा ऐसे ही बना देता हूँ स्टिक्स। बहुत ज़रूरत होती है स्टिक्स की। कैक्स बस डायमंड्स आ जाओ। डायमंड्स अब ना छुप सके मेरे से। ओ क्या ब्लास्ट किया क्रीपर ने। ओ लैपिस मिल गया मुझे लैपिस लजूली। क्रीपर ये भी उड़ा दिया मेरा फर्नेस वगैरह क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल क्रीपर ने मेरा क्राफ्टिंग टेबल डिस्ट्रॉय कर दिया। कहीं से भी आ जाते हैं ये क्रीपर्स। लगता है मुझे वो वुड नहीं बन मैं स्टिक्स नहीं बनानी चाहिए थी वुड। मुझे लेवल 12 पे हूँ मैं। आ जाओ डायमंड्स। बल्कि मैं 11 पे आ गया था लेवल। स्पॉनर नहीं वो पानी में अटकी हुई है। बाहर कैसे निकली बाहर कैसे निकली। ये भी निकल गई बाहर। और आयरन और मैंने पिकैक्स फेंकी नहीं थी। आपको एफिनिटी की जरूरत होगी मुझे मेरी पिकैक्स पे। लैपिस को तो लेना भूल ही गया था। ये लैपिस के पीछे तो नहीं है डायमंड्स। हो सकते हैं ना नीचे।
यहाँ पे स्टोन चाहिए होगा मुझे। लैपिस लजूली वैसे स्टोन पिकैक्स से भी टूट सकते हैं। एपिसोड बहुत लंबा हो रहा है, मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया इस एपिसोड में, मुझे पता है एडिटिंग नहीं आएगी इस एपिसोड में। एक स्टैक हो गया क्या मेरे पास आयरन गन? नहीं, मैं लगा थ्री अलग से आ रहे हैं तो एक स्टैक हो गया मेरा, वो अलग से नहीं आ रहे थे, वो ग्रुप में ही आ रहे थे। एक्सक्यूज मी डायमंड्स, मैं लेवल 12 पे हूँ। ये यार ब्लॉक करो इसे, आ जाते हैं वो मॉन्स्टर्स। अब डायमंड्स ढूंढता हूँ, मैं इतनी खुदाई कर रहा हूँ मुझे डायमंड्स मिल नहीं रहे। मैं चार ब्लॉक्स ही करता हूँ खुदाई। आगे कुछ है, लावा है शायद आगे। आई कैन हियर द साउंड ऑफ लावा। ग्रेवल है यहाँ पे, इस साइड खोदना पड़ेगा, इतना ग्रेवल है यहाँ। ये सारे नीचे गिर जाएंगे अगर मैंने ये ग्रेवल तोड़ा। नहीं, नहीं गिरेंगे बिकॉज इनके नीचे और ग्रेवल है, लेकिन कुछ ग्रेवल तो इन्हें होल कर रहा होगा ना। मैं ये तोड़ूंगा, ये नीचे गिर जाएंगे। नहीं, कुछ होल्ड कर रहा है, मैं डियोराइट होल्ड, ग्रेनाइट होल्ड कर रहा है मैं, आई मीन। ओह, नोटिस नहीं किया उन्होंने मुझे, यहीं से कूदता हूँ। नहीं, कर दिया, नोटिस कर लिया। बंद करो इसे, इस टाइम में यहाँ कूदूंगा, जहां से आया हूं वहीं खो दूंगा। डायमंड्स की जगह मुझे एमराल्ड्स मिल गए, वो तो डायमंड से भी रेयर होते हैं एमराल्ड्स। देख रहे हो, डायमंड्स नहीं मिले, एमराल्ड्स मिल गए। मुझे एमराल्ड की जरूरत नहीं है वैसे। नहीं मिल रहा कुछ, मुझे लगता है सब कुछ छोड़, मुझे लगता है सब एपिसोड को आज एंड करना होगा। मैं केव में ही एंड करूँगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।